हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो के बारे में, जो रहेगी रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये किस तरीके से बनते हैं, इनके क्या क्या उदाहरण हैं, सारा कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो देखते रहिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो सबसे पहले तो हम रासायनिक आबंध की परिभाषा जान लेते हैं कि रासायनिक आबंध की परिभाषा क्या होती है। तो देखिएगा, जैसे रासायनिक आबंध लिखा हुआ है, अब ध्यान से एक बात और साथ समझ लीजिए, आबंध बोले या बंद, बंद या आबंध दोनों को ही क्या बोलते हो आप इंग्लिश में, बॉन्ड। ऐसे मत समझना ये आ लग गया तो आबंध कोई अलग चीज़ है, नहीं, बंद या आबंध बात एक ही है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो ये रासायनिक आबंध होता क्या है ये आप जान लीजिए पहले। तो रासायनिक आबंध पता है क्या, कि मैं एक वर्ड लिखूंगा आपको, रासायनिक आबंध बराबर आकर्षण बल। रासायनिक आबंध क्या है, एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। कौन सा आकर्षण बल, जैसे आपने यौगिक देखे होंगे, बहुत सारे यौगिक यौगिक अणु, जैसे H2O, CH4 और आपका NaCl और आपका NH4Cl, CH3COOH, बहुत सारे यौगिक, जितने भी पूरी केमिस्ट्री में जितने भी यौगिक हैं। तो आपने देखा होगा जल है, ये जल है, तो जल में कितने दो H2 है और O कितना एक है, दोनों को मिलके H2O बन रहा है जल ना। तो इसमें से दो कहीं पे भी चले जाओ, जल का फॉर्मूला यही रहेगा H2O। तो यानी कि कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ है जो इन ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन को बांधे रख रही है अपने आप में। समझ रहे हो ना बात को, कि जैसे ये हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु आपस में जुड़ रहे हुए हैं। यहाँ पे जैसे मैथेन है, कार्बन का एक अणु और हाइड्रोजन के चार अणु आपस में जुड़े हुए हैं। या सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का एक अणु और Cl का एक अणु यानी कैल्शियम, तो क्या है आपका, सॉरी कैल्शियम नहीं, क्लोरीन, ठीक है। यानी सोडियम Na और Cl क्या है आपका, क्लोरीन है, दोनों के एक एक अणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो यही क्या चीज़ है, ये आपस में जुड़े रख रहा है, तो यही आपका एक प्रकार का आकर्षण बल है। जो एक जैसे बोले तो O2 और H2 एक जैसे या भिन्न भिन्न परमाणुओं को आपस में जोड़े रखता है, आपस में बांधे रखता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं। तो इसीलिए हमने क्या परिभाषा बना दी, हमने एक परिभाषा लिख दे रहे हैं। बहुत बच्चों की शिकायत क्या रहती है कि आप लिखवाते नहीं हो, तो मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो क्या है कि किसी भी यौगिक में, किसी यौगिक में उसके अणुओं या परमाणुओं को एक साथ जोड़े रखने वाले बल को या जोड़े रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। जैसे जल H2O में दो अणु हाइड्रोजन के एक अणु ऑक्सीजन का आपस में बंधे रहता है, जुड़े रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ये इसके बीच में कोई ना कोई बल है जो इसको आपस में जोड़े रख रहा है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं। एक और परिभाषा आप लिख सकते हो कि रासायनिक आबंध एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो किसी यौगिक में विभिन्न प्रकार के अणुओं या परमाणुओं को आपस में जोड़े रखता है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस परिभाषा को लिख लीजिएगा, एक दूसरी परिभाषा और लिखवा दे रहा हूं, उसे भी लिख लेना। क्या है, रासायनिक आबंध एक आकर्षण बल होता है जो किसी यौगिक में
विभिन्न परमाणुओं या अणुओं को आपस में जोड़े रखता है। ठीक है, तो इस परिभाषा को आप लिख लीजिए, क्या है रासायनिक आबंध? एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जो किसी यौगिक में अणुओं या परमाणुओं को आपस में जोड़े रखता है, आपस में बांधे रखता है। इसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? हम रासायनिक आबंध कहते हैं। अब रासायनिक आबंध कितने प्रकार का होता है? रासायनिक आबंध होते हैं आपके तीन प्रकार के। अब पहली बात ये, यहाँ से कंपटीशन वालों के लिए जो आपने नहीं जानी होगी तो वो अब जान लेना कि रासायनिक आबंध की जो व्याख्या करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन से थे? कोसेल और एक वैज्ञानिक थे लुईस। ठीक है, ये दो वैज्ञानिक थे कोसेल और लुईस। इनने कौन सी सन में की थी? 1916 ईस्वी में इसकी आपकी क्या करी थी? 1916 सन में रासायनिक आबंधन की व्याख्या की थी। अब मैं बोल रहा हूं रासायनिक आबंधन क्या होता है? आबंधन या बंधन कुछ नहीं है, ये जो बॉन्ड बनना है यानी उसी को बॉन्ड बनने को क्या कहते हैं हम? आबंधन, यानी कि बॉन्डिंग। ठीक है, तो आपका ये बॉन्डिंग की परिभाषा या बॉन्डिंग की व्याख्या किसने की थी? कोसेल और लुईस ने 1916 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं बंध। तो कंपटीशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा ये याद रख लेना है कि रासायनिक आबंध की व्याख्या किसने की थी? कोसेल और लुईस ने की थी। कौन सी सन में की थी? 1916 में की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके आगे के, रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक आबंध आपके तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, वैद्युत संयोजी या वैद्युत संयोजक, संयोजक आबंध या आयनिक आबंध, और नंबर दूसरा सह संयोजक आबंध, और नंबर तीसरा आपका उप सह संयोजक आबंध। तो रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक आबंध तीन प्रकार के होते हैं आपके, विद्युत संयोजक आबंध या आयनिक आबंध। विद्युत संयोजक के लिए बोलता है विद्युत संयोजी आबंध, संयोजी बोले या संयोजक बोले बात एक ही है आपकी। विद्युत संयोजक आबंध, सहसंयोजक आबंध और उप सहसंयोजक आबंध। ठीक है, उप सहसंयोजी योगी, उप सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध और विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, ये तीन प्रकार के। अब इनमें ही काफी सारे प्रकार हो जाते हैं, जैसे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, एकल सहसंयोजक बंध, द्वि सहसंयोजक बंध, त्रि सहसंयोजक बंध। तो इनके प्रकार होते हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे हम। मुख्य रूप से आपके तीन हैं, इनके आगे सारी वीडियो में आपको सारा धैर्य रखिए, हम सारा आपको एक एक करके सारे बॉन्डों के प्रकार किस तरीके से बनते हैं, क्या इसके गुण होते हैं, क्या यौगिक होते हैं, सब चीज़ बनाएंगे हम। तो अब हम पहला पढ़ेंगे हम विद्युत सहसंयोजक आबंध या विद्युत सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो पहला आपका क्या है? विद्युत सहसंयोजक आबंध या आयनिक आबंध, इसका नाम है आयनिक आबंध से भी नाम से जानते हैं इसे, और विद्युत सहसंयोजक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा जान लेते हैं। तो यह है विभिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से, क्या? विभिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे विद्युत संयोजक बंध या आयनिक
आबंध क्या कहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, एक बार फिर से समझ लो कि विभिन्न परमाणुओं के बीच यानी विभिन्न जैसे NaCl CaCl2 MgCl2 ये तो आप देखिएगा पहले विभिन्न परमाणुओं के बद्ध इलेक्ट्रॉन के पूर्ण स्थानांतरण से यानी इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से चला जाएगा एक पर से दूसरे पर चला जाएगा, उससे जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं हम रासायनिक विद्युत सहसंयोजक आबंध कहते हैं, विद्युत संयोजक आबंध कहते हैं, सहसंयोजक नहीं विद्युत संयोजी आबंध कहते हैं या आयनिक आबंध कहते हैं, ठीक है। अब इसके आपको बहुत डीपली पॉइंट है कि इससे जो बनने वाला यौगिक है वो विद्युत संयोजक यौगिक कहलाएगा, इससे बनने वाला यौगिक, इससे बनने वाला यौगिक विद्युत संयोजक यौगिक कहलाता है, ठीक है। यानी कि इसे विद्युत विद्युत संयोजक जो बंध बनता है उससे जो यौगिक का निर्माण होगा जिसमें ये बंध पाए जाएंगे यानी जिस यौगिक में विद्युत संयोजक यौगिक बंध पाया जाता है उसे विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो वह यौगिक जिसमें विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है उसे विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं, या विद्युत संयोजक यौगिक की परिभाषा लिखनी है उसकी आबंधीय परिभाषा लिखनी है तो ये पूरी लिख देनी है आपको, ठीक है। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि इसके एग्जांपल क्या है और ये पूर्ण रूप से स्थानांतरण ये होता क्या है ये अब हम जानेंगे इसके एग्जाम्पल में। जैसे आपका एग्जाम्पल है इसका NaCl, क्या NaCl 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 में क्या होता है, ये NaCl विद्युत संयोजक यौगिक होता है, क्यों होता है क्योंकि इसमें विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। विद्युत संयोजक जो बंध किस तरीके से बनता है कैसे पाया जाता है वो देखिएगा। देखो पहले तो आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आने चाहिए आपको, और जिसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने नहीं आते हैं वो मेरी पीछे वाले वीडियो देख ले केमिस्ट्री वाले के ओबाउनियम के अनुप्रयोग, उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने बताए हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर शॉर्ट में बताऊंगा वो भी आप समझ जाना, और जिसको विस्तृत जानकारी चाहिए वो उस वीडियो को जाके देख ले। तो देखना पहले तो आपको ये बनना है यानी कि NaCl का हम किस तरीके से बनता है, तो देखो पहले सोडियम है, सोडियम का कितना होता है ये 11 होता है क्रमांक, और Cl का कितना होता है 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए 6 4 10 और क्या हो जाएगा 3s1, ठीक है। ऐसे इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये कितना हो गए 2 4 10 2 12 12 5 17 क्या 3p5, ठीक है। अभी देखना जरा ये इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ 2.8.1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2.8.7 17। आपको देखो ये मैंने कैसे लिख दिया, आपकी जो सेल होंगी वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2.8.8.18। आप बोलोगे कि 2.8.18 आना चाहिए, हाँ बिल्कुल 18 आना चाहिए, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 18 अगले जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब आएंगे, लेकिन जब शुरुआत में आपके 20-30 तक 2.8 फिर से 8 आ जाता है उसके बाद में 18 आएगा, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में विस्तृत जानकारी ऐसा क्यों होता है इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी फिलहाल आप ध्यान रखिए जैसे आपके पास में 11 है तो आप सिंपल सा कर लीजिए, 11 है तो 11 का कैसे करोगे 2.8 दो आ गया 8 आ गया कितने 10 हो गए और बचा कितना 11 से 1 बचा। अब यहाँ पे 17 है, 17 यानी Cl 17 है तो कितना करोगे आप 2.8.8 तो 10 हो गए बचे 7। अभी ये 19 होता तो कैसे करते 19 का करते 2.8, अब देखो जरा 19 होते तो आपको कितना 8 2 10, अब 9 इसमें नहीं करते, 9 इसमें नहीं करते तो उसके लिए क्या करना पड़ता आपको 8 और फिर क्या करना पड़ता 1 2.8.8.1 समझ में आ गई बात। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमको ये कैसे करने हैं आपको, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो मैं इसका सॉल्ट में आपको क्या दिखाऊंगा कि आपका के जो Na था 11 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2.8.1 और जो Cl था 17 उसका कितना 2.8.7 यानी कि इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब क्या, और एक आपको बंध बनाने से पहले आपको अष्टक नियम
लुईस अष्टक नियम आपको याद होना चाहिए। लुईस अष्टक नियम क्या कहता है कि प्रत्येक तत्व केमिस्ट्री में यूज होने वाला प्रत्येक तत्व या ब्रह्मांड का प्रत्येक तत्व अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि वो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा तो वो अधिक स्थायी हो जाएगा, अधिक उसका स्थायित्व बहुत अधिक हो जाएगा, इसीलिए वो अपना स्थायित्व बढ़ाना चाहता है। आप पढ़ रहे हो किस लिए? नौकरी लगाने के लिए, सरकारी नौकरी हो, पैसा हो, और अपना मतलब दैनिक जितनी भी आर्थिक आपकी जो स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए। उसी तरह से जो प्रत्येक परमाणु जो होता है वो क्या चाहता है कि प्रत्येक परमाणु चाहता है कि उसका भी स्थिति मजबूत हो, और मजबूत होने के लिए उसको क्या चाहिए कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। 8 इलेक्ट्रॉन या तो वो किसी के पास लेने से या देने से, कैसे भी करके वो 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, उसी को हम अष्टक नियम कहते हैं। समझ में आ गया अष्टक नियम क्या है? कि अष्टक नियम होता है कि प्रत्येक परमाणु या प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक यौगिक या प्रत्येक अणु या प्रत्येक परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि वह 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने से उसका स्थायित्व बहुत अधिक बढ़ जाता है और वह अपनी निकटतम अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। अब पूरी केमिस्ट्री में अक्रिय गैसों को छोड़कर बाकी सभी जितने भी तत्व हैं उनके बाहरी कक्षा अपूर्ण होती है, यानी उनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये बात नोट करके लिख लेना। कौन सी बात? कि अक्रिय गैसों को छोड़कर बाकी सभी, अक्रिय गैस को निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं, निष्क्रिय गैसों को छोड़कर बाकी सभी यौगिक या बाकी सभी तत्वों के बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन 8 नहीं होता है, या उसके बाहरी कक्षा में बाहरी कक्षा पूर्ण नहीं होती है। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ो तो देखिएगा, हमारा ये 8 है तो ये इस पर सोडियम पर कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, तो वो मैंने इस तरीके से दिखाया है। और Cl पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 हैं बाहरी कक्षा में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखिएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये चलो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ और ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ जाएगा आपका, यानी कि Na जो 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इसको दे देगा। तो मतलब इस पर कितना बचेगा? 2 और 8 बचेगा, और इस पर कितना हो जाएगा? इस पर जो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इस पर भी 8 हो जाएगा। और हमने क्या बताई थी? प्रत्येक अणु या परमाणु अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जब इसमें से चला जाएगा, 2.8.1 और 2.8.7, जब इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका? सोडियम पे 2.8 बचेगा। क्यों? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन जो देता है उस पर धनात्मक आवेश आता है, और जो लेता है उस पर ऋणात्मक आवेश आता है, यह बात आप जानते हो। तो इस पर कितने इलेक्ट्रॉन दिए? इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और लिया किसने? Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये Cl है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, आपने ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो इस पर कितने हो गए? 2.8.8, इस पर भी 8 हो गए और इस पर भी 8 हो गए। तो सभी बाह्यतम क्वेश्चन है, इसके भी 8, इसके भी 8, क्योंकि तो 7 इस पर थे पहले से, इस पर पॉजिटिव आया तो इस पर 1 नेगेटिव आ गया। क्लियर होगी बात? या इसको आप बोल सकते हो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, या इसको बोलोगे आप NaCl का बनना, ये बन गया NaCl। क्लियर होगी बात? बहुत ही अच्छे से आपको ये वीडियो पीछे करना, फिर से देखना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद में ये देखो कि इसके अष्टक बनाओ, इसका पूर्ण कर दीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी, ये बोलोगे 7 इलेक्ट्रॉन तो इस पर आ नहीं सकते हैं। आप सोचो कि 7 इलेक्ट्रॉन आने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको ही दे दिया, तो इस पर 8 हो गए और इस पर भी 8 हो गए। क्लियर हो गई बात? आप बोलोगे ना, आप ये सोच रहे होंगे इसमें से भी तो आ सकते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन आपको देखो ईजी कौन सा पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना या 7 इलेक्ट्रॉन लेने? 7 इलेक्ट्रॉन लेने नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन देना बहुत ईजी पड़ेगा, इसीलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। तो अब एक यहाँ से खास बात आपने सीखी, और ये जो यौगिक है यही आपका, ये जो बनने वाला जो इसके अंदर जो बंध बना है वो क्या है? विद्युत संयोजक बंध है। और ये यौगिक है NaCl, ये क्या है? विद्युत संयोजक यौगिक है। समझ में आ गई? ये विद्युत संयोजक यौगिक कहलाता है, क्योंकि इसमें विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। बंध बनाना आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं फिलहाल, और ये समझ में आएगी आपके पास। एक खास बात नोट करके लिख लेना कि विद्युत संयोजक बंध को किसी भी सिंबल या किसी भी तीर से प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये केवल पॉजिटिव नेगेटिव से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखना, ये इसीलिए इसको आयनिक बंध कहते हैं, क्योंकि इसमें आयन, देखना Na पॉजिटिव आयन बन गया ना, आयन यानी कि इसमें धनायन बन गया और ये ऋणायन बन गया, इसीलिए इसको आयनिक बंध
कहते हैं। समझ में आती बात। आगे एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वो भी बनाना सीखिएगा आप। तो एक और एग्जांपल मैंने लिया आपका CaCl2 का बनना। ये कैसे बनेगा? CA का कितना होता है? CA का होता है भैया 20। इसका परमाणु क्रमांक होता है 2.8.2। ठीक है, मैंने क्या बताई थी 2.8.8। अब ये बोलोगे तो इसको ऐसे नहीं रखना है आपको, 20 हो जाएंगे, नहीं क्लियर, गलत हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, ये कैसे करना है 8.2। क्लियर होगी बात? इसमें 2 आ गए। और ऐसे ही आपका Cl का आपने अभी करा था, कितना है 2.8.7। क्लियर होगी बात? तो इसमें तो 2 Cl है, तो आपका देखना जरा एक और Cl लिख लीजिए यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 2.8.7। समझ में आपकी बात? 2 Cl थे, मैंने दोनों Cl लिख लिए, एक CA था ये भी लिख लिया, कोई दिक्कत? दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। अब देखना जरा ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे तो इस पर 8 आ जाएंगे, या ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, लेकिन यहाँ पे क्या ये Cl है, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 7 इलेक्ट्रॉन, ये चाहेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास आ जाए। तो ये देखना जरा 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये 8-8 हो जाएंगे और ये भी 8 हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिएगा मैं इसकी रिएक्शन यहाँ से बना रहा हूँ, ये CA है और CA पर कितने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है 2, एक इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2.8.8.2 प्लस ये Cl है, Cl तो ये Cl है, मैं ऊपर एक ऊपर बना दे रहा हूँ, एक नीचे बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पर कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसे ही इस पर बना दे रहा हूँ, इस पर 2, 4, 5, 6 और 7। क्लियर होगी बात? आप कैसे भी, अब मैंने ऊपर नीचे रखे, आप आगे पीछे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हमने क्या करा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ये कैसा था 2.8.7। तो बन गया क्या कि ये CA पे तो या फिर आप ऐसा करिए एक को इधर बना लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये CA जो था आपका, इस पर तो 2 पॉजिटिव आ गया, और जो Cl था इस पर भी 1 Cl नेगेटिव आ गया और 1 Cl इस पर नेगेटिव आ गया। समझ में आ गई? या आप लिख सकते हो Ca2 पॉजिटिव और Cl2, ये हो गया Cl2 और ये नेगेटिव लिख दीजिए, या फिर आप पहले ऐसे कर दिए Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, या Ca2 पॉजिटिव और Cl2 और इसके ऊपर नेगेटिव रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और क्योंकि दोनों पे नेगेटिव आ गया, या आप एक वर्ड में ऐसा लिख दीजिए CaCl2, ये बन गया आपका, ठीक है ना। ये CaCl2 लगा दीजिए तो 2 नेगेटिव हो जाएगा ये आपका, या आपको ऐसा भी लिख सकते हो Ca2 पॉजिटिव और Cl2 नेगेटिव। समझ में आ गई बात? तो ये आपका बॉन्ड बन गया, क्लियर है। आप इसको इसके इधर भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे भी लिख सकते हो, कैसे भी आपको प्लस करना है, कहने का मतलब ये बॉन्ड। समझ में आ गया? तो इसमें भी आपका कौन सा है, ये यौगिक कौन सा है, CaCl2 आपका क्या है, ये आपका विद्युत संयोजक यौगिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। समझ में आते बात? विद्युत संयोजक बंध कैसे पा रहा है वो आपको देख लिया। इसको किसी तीर से या किसी एरो से या किसी सिंबल से नहीं दिखाते, ये पॉजिटिव नेगेटिव से दिखाया जाता है। और खास बात, अब इससे जो बनने वाला जो यौगिक है, उस यौगिक के कुछ गुण कर लेते हैं। गुण क्या हैं? विद्युत संयोजक यौगिक के जो गुण हैं वो हम बता रहे हैं आपको, ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक मैं होमवर्क में दे दे रहा हूँ आपको, MgCl2 करके ले करना है आपको, चेक करना है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ CA की जगह पे आपको Mg कर लेना है, MgCl2 ये करना है आपको, वही Mg2 पॉजिटिव आएगा, Cl नेगेटिव आएंगे, ठीक है। अभी आगे इसके गुण कर ले रहा हूँ, विद्युत संयोजक यौगिक के गुण। ये क्या है आपके गुण, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे आपका NaCl था, CaCl2 था, MgCl2 था, और भी बहुत सारे हैं, तो ये जो होते हैं ये कैसे हैं, ये आपके ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं। पहला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठोस अवस्था में विद्युत संयोजक यौगिक कुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में
ये यौगिक विद्युत संयोजक यौगिक के गुण बता दिया, तो ये क्या है विद्युत संयोजक यौगिक जो होते हैं ठोस अवस्था में, ये यौगिक यानी विद्युत संयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो ठोस अवस्था जो होती है उसमें आयन नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो NaCl है ये ठोस अवस्था में NaCl ही रहेगा, इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में नहीं टूट पाता है। टूटेगा कब? जब इसमें जल मिला दिया जाएगा, ठीक है। तो जल मिलाने से यानी कि गलित अवस्था हो जाएगी, यानी जलीय अवस्था। तो इसलिए दूसरा पॉइंट क्या है कि जलीय अवस्था में ये यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं। समझ में आ गई? जलीय अवस्था में सुचालक और ठोस अवस्था में कुचालक, ठीक। अब यहां से अगला पॉइंट बनता है कि जलीय अवस्था भी कैसी, ये केवल ध्रुवीय विलायकों में तो विलेय होते हैं और अध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं। ध्रुवीय विलायक में विलेय, अध्रुवीय विलायक में, इसका क्या मतलब है? ध्रुवीय विलायक जैसे H2O जल है, अध्रुवीय विलायक जैसे ईथर है, ठीक है, यानी कि कार्बनिक विलायक। तो कार्बनिक विलायक में आपका ये कैसा होगा? अविलेय रहेंगे। तो कार्बनिक विलायक में ये नहीं टूटता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में नहीं टूटेगा, और जल में ये टूट जाएगा। तो जल में तो ये विद्युत का सुचालक रहेगा, और विलायक में यानी अविलेय यानी ईथर में ये कैसा रहेगा? कुचालक रहेगा। अब एक और खास बात कर लो, इसका चार पॉइंट हो गए, चार पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। आगे अगला पॉइंट कर लेना पांचवा, कि इनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। अब बात आ जाती है कि ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? कारण बताओ। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपको पहले ही बता दिया है ठोस NaCl में, क्योंकि ठोस NaCl में आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए यह विद्युत का कुचालक होता है। क्योंकि विद्युत धारा किसके कारण बहती है? आयनों के कारण बहती है। जब इसमें आयन ही नहीं होंगे तो इसमें आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह होगा ही नहीं, और प्रवाह नहीं होगा तो मतलब ये क्या है? कुचालक रहेगा। और इसी जगह पर यह कह दे कि गलित अवस्था है, क्या बोल दे, गलित NaCl या गलित अवस्था में NaCl विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन पाए जाते हैं। क्या आप इसकी व्याख्या करोगे? तो NaCl में जब NaCl को जलीय विलयन में मिला, NaCl को जल में घोल दिया जाता है, तो ये अपने आयनों Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में टूट जाता है। इस कारण इसमें इस आयनों के कारण इसमें आवेश का प्रवाह हो जाता है और यह विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ऐसे ही बहुत सारे जितने भी आपके ठोस वाले आएंगे उनमें बोल देना कि उसमें आयन नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये सभी यौगिक जितने भी विद्युत संयोजक यौगिक हैं वो कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। जितने भी सभी हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब आपकी केमिस्ट्री की नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पूरा, ये उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, रासायनिक आबंध का पहला पार्ट कौन सा? विद्युत संयोजक आबंध। ये पूरा समझ में आया? ऐसे ही अभी हम विद्युत सहसंयोजक आबंध, विद्युत उपसहसंयोजक आबंध, सिग्मा बंध, पाई बंध,
और आपका ध्रुवीय संयोजक बंध, अध्रुवीय संयोजक बंध, हाइड्रोजन बंध, ये सारा आगे करेंगे अगली आने वाली वीडियो में। फिलहाल के लिए आज के लिए ये आपका क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और आपको अच्छा समझ में आ रहा तो अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के पास भेजो। आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से, मित्रों से, घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से सब्सक्राइब कराओ और मैं आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, जय हिंद।